हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राजकुमार मीना, एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द किडनी एनाटॉमी। किडनी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी, दूसरा है पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी, थर्ड है किडनी की ब्लड सप्लाई, ठीक है, फोर्थ है सुप्रारीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई, सुपरा रीजनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई। तो ये चार टॉपिक्स हैं, इन्हें अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट बात करेंगे अपन एंटीरियर रिलेशन के बारे में। एंटीरियर रिलेशन को पढ़ने से पहले अपन इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अपन किडनी की ब्लड सप्लाई, और नेक्स्ट से आखिरी सुपरा रीजनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई। अब स्टार्ट करते हैं अपने एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी। इससे पहले अपन किडनी के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इस टाइप अपनी किडनी होती है, दो किडनी होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। इस टाइप की किडनी होती है, ये इसका ऊपर की तरफ सुपीरियर, ये इन्फीरियर, ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड, और ये ऊपर की तरफ ये एंटीरियर सरफेस, इसके पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस। तो किडनी में दो पोल होते हैं, एक अपर पोल जो प्रोड होता है, ठीक, एक लोअर पोल जो पॉइंटेड होता है ना। दो बॉर्डर होते हैं इसमें, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर होता है ये कॉनकेव होता है, और लेटरल बॉर्डर होता है ये कॉनवेक्स होता है। दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस जो कि इरेगुलर होती है, इसमें काफी सारे इंप्रेशंस मिलते हैं, और इसके पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस जो अपने फ्लैट होती है, ठीक है। तो इसमें दो पोल होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, और दो सरफेस होते हैं। ये इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए। और अपने किडनी के बीच में क्या होता है, हाइलम मिलता है। तो हाइलम के अंदर क्या होता है कि जो अपने वेन, आर्टरी एंड पेल्विस है वो एंटर करता है सबसे ऊपर की तरफ। ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिलेशन है इसके, है ना, ऊपर की तरफ एंटीरियर है और इसके पीछे की तरफ पोस्टीरियर ना। तो सबसे एंटीरियरली जाएगा अपना रीनल वेन, उसके बाद जाता है रीनल आर्टरी, ठीक, उसके बाद जाती है अपनी रीनल पेल्विस। ये हो गया रीनल पेल्विस। तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिलेशन है इसके। इस टाइप में देखो, सबसे एंटीरियरली मतलब सबसे ऊपर की तरफ अपनी रीनल वेन होती है ना, फिर रीनल आर्टरी, फिर रीनल पेल्विस। तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर इस टाइप में रहते हैं। सुपीरियर टू इन्फीरियर नहीं है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर है, ये बात याद रखना। तो ये वेन, ये आर्टरी एंड ये पेल्विस जो अपने हाइलम के थ्रू एंटर करता है। तो ये इसके किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी। तो एंटीरियर रिलेशन को पढ़ने के लिए देखो, एक बार तो अपन इसके एंटीरियर रिलेशन से जो जो चीज़ है उन्हें थ्योरेटिकली देख लेंगे, लिख लेंगे, फिर अपन इन्हें एक मॉडल के थ्रू समझेंगे, और उसके बाद इसके एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एंटीरियर रिलेशन देखते हैं, एंटीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन मीन्स कि किडनी के ऊपर की तरफ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो किडनी के ऊपर की तरफ मेनली जो कि अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है ना, वो होता है। तो देखो, इसमें अपने दो टाइप की किडनी होती है ना, राइट साइड होती है किडनी, एक लेफ्ट साइड होती है। राइट साइड में क्या क्या चीज़ें मिलती है, अब राइट साइड में दोनों के ऊपर सुपर रीनल ग्लैंड तो मिलेगी, तो राइट साइड के ऊपर राइट सुपर रीनल ग्लैंड, सुपरा रीनल ग्लैंड, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक, रीनल ग्लैंड। और अपने राइट साइड में ड्यूडेनम होती है, अभी इन्हें समझाएंगे, एक मॉडल के थ्रू समझाएंगे और एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ड्यूडेनम होती है, राइट साइड में अपना लीवर होता है, तो लीवर भी होते हैं, ठीक, मतलब हिपेटिक एरिया होता है, ड्यूडेनम का एरिया होता है, हिपेटिक एरिया होता है। और इसमें क्या होता है, अपना जेजुनम होता है, जेजुनम होता है, और अपना कोलिक एरिया होता है, ठीक, कोलिक एरिया, या इन सब के आगे एरिया लगाते हैं, ये जेजुनम एरिया, ठीक, ये होता है। तो राइट साइड तो ये फाइव चीजें होती है, और लेफ्ट साइड क्या होती है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड मिलती है, स्टमक का एरिया मिलता है, ठीक है, स्प्लीन का एरिया मिलता है, पैनक्रियाज का मिलता है, और अपने जेजुनम का मिलता है, जेजुनम और कोलिक एरिया मिलता है। तो लेफ्ट साइड ये सिक्स होते हैं। अभी ने एक मॉडल के तरफ समझाते हैं, देखो
ये है अपनी किडनी, ठीक है, ये अपनी राइट साइड की किडनी है, ये लेफ्ट साइड की किडनी है। राइट साइड की किडनी के पास क्या होता है, इन्फीयर वेना कावा होता है, फिर अपना एब्डोमल आउटा होता है, फिर लेफ्ट साइड की किडनी होती है। ठीक, इसके ऊपर क्या होता है कि जो अपनी ये इन्फीरियर वेना कावा है इसके ऊपर और अपनी एब्डोमल आउटा इनके ऊपर अपना पेनक्रियाज होता है, इस टाइप में पेनक्रियाज अरेंज होता है। जो अपने इन्फीरियर वेना कावा होती है ना, ये तो पेनक्रियाज के हेड के पीछे की तरफ होती है, और जो अओर्टा होती है वो पेनक्रियाज की बॉडी और ये अनसिनेट प्रोसेस है ना, इसके पीछे की तरफ होती है, और टेल होती है इसकी ये लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर होती है। तो पेनक्रियाज का इंप्रेशन कहाँ पे है, लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर है ना। तो ये देखो अपने लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर पेनक्रियाज का इंप्रेशन बनाया है ना, ये ठीक। फिर ये पैनक्रियाज होगा, पैनक्रियाज का जो टेल होता है इसके नीचे की तरफ क्या होता है, स्प्लीन मिलता है, टेल के नीचे की तरफ स्प्लीन मिलता है ना यहाँ पे, तो ये इस टाइप में। अभी स्प्लीन का एरिया कहाँ होगा, ये भी लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर, ये लेफ्ट साइड की किडनी है, ये राइट साइड की किडनी है, तो स्प्लीन का एरिया होगा लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर। फिर क्या होता है कि जो अपना ये पैनक्रियाज होता है ये कहाँ होता है, ये पैनक्रियाज अपना सी शेप्ड ड्यूडेनम के अंदर होता है ना, तो ये ड्यूडेनम इधर की तरफ होगी, इसके हेड की तरफ होती है, तो ये ड्यूडेनम यहाँ हो गए। अब ड्यूडेनम का एरिया कहाँ होगा, अपनी राइट साइड की किडनी के ऊपर, तो ये राइट साइड किडनी है, तो राइट साइड किडनी के ऊपर ड्यूडेनम का एरिया हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि ड्यूडेनम किसके साथ कंटिन्यूस होती है, अपने ऊपर की तरफ स्टमक होगा ना, स्टमक का जो पाइलोरिक एंड होगा वही तो अपने ड्यूडेनम में एंटर करता है, तो यहाँ पे स्टमक का पाइलोरिक एंड होगा वो इस टाइप में अरेंज होता है, ठीक है। देखो ये इस टाइप में ये स्टमक हो गया, स्टमक का एरिया, ये पाइलोरिक एंड, ये कार्डियक एंड, ये फंडस, ये बॉडी, ये पाइलोरिक एंड, फिर उसके बाद ड्यूडेनम स्टार्ट हो गए। तो स्टमक का जो इंप्रेशन है या एरिया है वो कहाँ होगा, अपने लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर होगा, देखो ये लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर है ना, तो स्टमक का कहाँ है, लेफ्ट साइड किडनी के ऊपर, ये होगा। उसके बाद क्या होगा कि ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बाद क्या होगा, अपना जेजुनम आएगा, तो यहाँ पर आता है अपना जेजुनम, ये इस टाइप में जेजुनम आ जाता है, देखो अभी दिखाते हैं आपको, इस टाइप में जेजुनम आ जाता है ना। अभी जेजुनम का एरिया है ये कहाँ होगा, ये अपनी लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर भी होता है, और ये मैंने थोड़ा छोटा किया हुआ है लेकिन ये बड़ा होता है, यहाँ तक आता है, ये राइट साइड की किडनी तक आता है जेजुनम का एरिया, ये लेफ्ट साइड की किडनी और राइट साइड की किडनी दोनों किडनियों के ऊपर होता है। तो जेजुनम का राइट साइड की किडनी के ऊपर भी है और लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर भी है ना। फिर उसके बाद ये जेजुनम हो गया, फिर इलियम हो गया, फिर ये सिकम हो गया, सिकम के बाद क्या होता है, कोलोन होती है। तो कोलोन का देखो इस टाइप में अपना कोलोन होता है, ये कोलोन का ये हो गया अपना असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, फिर ये डिसेंडिंग कोलोन। तो देखो ये ट्रांसवर्स कोलोन है, इसका इंप्रेशन कहाँ है, राइट साइड की किडनी के ऊपर भी है और लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर भी है ना, दिख रहा है ना आपको, राइट साइड की के ऊपर भी दिख रहा है और लेफ्ट साइड की के ऊपर भी दिख रहा है। तो कोलिक एरिया राइट साइड की के ऊपर भी है और लेफ्ट साइड के ऊपर भी है, ठीक। और सुप्रारीनल ग्लैंड होती है वो तो राइट साइड में मिलती है और लेफ्ट साइड में मिलती है, ये राइट साइड में सुप्रारीनल ग्लैंड मिल रही है, लेफ्ट साइड में मिल रही है, ठीक। और राइट साइड में अपना लीवर होता है, ये तो सबको पता ही होता है, तो लीवर का एरिया भी राइट साइड की किडनी के ऊपर होता है। तो देखो ये सारे कवर हो गए ना अपना, तो ये इसके एंटी रिलेशंस होते हैं, राइट साइड में ये चीजें होती हैं और लेफ्ट साइड में ये सिक्स चीजें होती हैं। आपको रटना कुछ नहीं है, आपको बस सिक्वेंस याद रखना है कि भाई अपना ये किडनी होता है, ये राइट साइड किडनी, ये लेफ्ट साइड किडनी, ये अपना इन्फीरियर वेना कावा, ये अपनी एब्डोमिनल आउटा होता है, ये तो सबको पता ही होता है। अब जो अपनी इन्फीरियर वेना कावा होता है इसके ऊपर पैनक्रियाज का हेड होता है, इस टाइप में अरेंज होता है, और जो अपनी आओटा होती है ये इस पैनक्रियाज की बॉडी एंड जो अपना अनसिनेट प्रोसेस होता है इससे पार होती है। अगर आपने पैनक्रियाज की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने पैनक्रियाज की एनाटॉमी पढ़ाई थी ना तब मैंने ये एक एक चीज को अच्छे से क्लियर किया था कि ये आओटा होती है बॉडी और अनसिनेट प्रोसेस के पीछे से पार होती है ना, तो इस टाइम। और इसका टेल होता है ये लेफ्ट साइड किडनी के ऊपर होता है, तो ये तो आप याद रख सकते हो। अब टेल के नीचे की तरफ अपना स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन का इंप्रेशन कहाँ होगा, अपने लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर ही होगा। फिर ये पैनक्रियाज होता कहाँ, ये ड्यूडेनम के अंदर होता है, तो ड्यूडेनम किधर की तरफ होगी, राइट साइड की किडनी के ऊपर होगी। इसके ऊपर की तरफ स्टमक होता है, तो स्टमक कहाँ होगा, लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर होगा। फिर इसके बाद जेजुनम स्टार्ट हो जाएगा, अब जेजुनम दोनों किडनियों के ऊपर होता है, यूं ही तो आता है ना जेजुनम, जेजुनम आ जाएगा। फिर इलियम, फिर अपना कोलोन जाता है, तो कोलोन भी यूं जाके और यूं दोनों किडनियों के ऊपर हो जाएगा। बाकी लीवर तो पता ही, राइट साइड में होता है, दोनों के ऊपर सुपरिनल ग्लैंड होती है, ठीक। ये इसके एंटीरियर रिलेशन हो गया। अब इस एंटीरियर रिलेशन का अपन एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से और आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इन सबको ड्रॉ कर देंगे अपन, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसके एंटीरियर रिलेशन, ठीक है।
anterior relation of kidney. ड्रॉ करते हैं, ये हो गई अपनी राइट साइड की किडनी। अभी से राइट साइड किडनी, ठीक, ये इसकी मीडियल बॉर्डर हो गया। फिर यहां से जाता है अपना राइट साइड से क्या अपनी रीनल वेन, ये रीनल वेन पार हो गई, ये हो गई अपनी इन्फिया वेना कावा। राइट साइड में इन्फिया वेना कावा होता है ना, तो ये इन्फिया वेना कावा होता है। उसके बाद आ जाएगा अपना अहोटा, तो ये हो गया अपना अहोटा। ये हो गया एब्डोमिनल अहोटा। उसके बाद ये चल जाएगी अपना किसके अंदर, लेफ्ट साइड की किडनी के अंदर, तो ये अपनी लेफ्ट साइड की किडनी हो गई। ये लेफ्ट साइड किडनी की ये मीडियल बॉर्डर हो गया स्टेप में, और ये रीनल वेन है जो यहाँ पे एंट्री कर जाएगी स्टेप, और यहाँ से जाती है अपनी रीनल आर्टरी। ये अपनी रीनल आर्टरी हो गई, ठीक। अब इनकी नेम करते हैं, ये राइट साइड की किडनी और ये लेफ्ट साइड की, ये इन्फीरियर वेना कावा और ये अओर्टा। अब इनके जो एंटी रिलेशन उन्हें ड्रॉ करते हैं, तो देखो यहाँ पे अपना पेनक्रियास था, ठीक है, पेनक्रियास का हेड था वो इन्फीरियर वेना कावा के नीचे था, और बॉडी और एसेंट प्रोसेस था वो इसके नीचे था, तो टेल इधर की तरफ ही आएगी ना, तो टेल की इंप्रेशन किधर की तरफ था, इधर लेटरल साइड की तरफ, तो टेल का इंप्रेशन ड्रॉ करते हैं अभी। तो इस टाइप में टेल आ रही थी इसकी, दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं एक मिनट, तो पेन कैच का टेल इधर की तरफ आ जाएगा। ये हो गया अपना पैनक्रेटिक एरिया, ठीक, ये पैनक्रेटिक एरिया हो गया यहाँ तक। फिर इधर पैनक्रियाज के टेल के नीचे की तरफ अपना स्प्लीन था, तो इधर की तरफ स्प्लीनिक एरिया हो जाएगा। ये हो गया अपना स्प्लीनिक एरिया, ये पैनक्रेटिक एरिया यहीं तक ही है, ये पूरा दिख रहा है, ये अपना स्प्लीनिक एरिया हो गया, ये पैनक्रेटिक एरिया हो गया। और इधर की तरफ क्या होगा, अपना ड्यूडेनम होगा, तो इधर की तरफ अपना ड्यूडेनल एरिया होगा ना, तो ये अपना ड्यूडेनल एरिया हो गया। अब इन्हें दोनों की तरफ अपना सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, तो ऊपर की तरफ भी सुप्रारेनल ग्लैंड मिलेगा, इधर की तरफ भी सुप्रारेनल ग्लैंड मिलेगा, तो इधर की तरफ ये हो गया अपना सुप्रारेनल ग्लैंड का एरिया, ये राइट साइड की सुप्रारेनल ग्लैंड का एरिया होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा, तो लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं अभी अपन। तो ये हो गया अपना लेफ्ट साइड की सुप्रारेनल ग्लैंड का एरिया, ये लेफ्ट साइड की सुप्रारेनल ग्लैंड, इधर राइट साइड की सुप्रारेनल ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया। फिर अपने इसमें इधर की तरफ अपना स्टमक आता है ड्यूडेनम के बाद, इधर की तरफ ऊपर की तरफ स्टमक जुड़ता है ना, तो इधर की तरफ अपना स्टमक का एरिया होगा, तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये हो जाएगा अपना स्टमक का एरिया, ये स्टमक का एरिया हो गया। अभी नेमिंग कर देंगे कि अब ये हो गया ड्यूडेनम हो गया। फिर ड्यूडेनम के नीचे की तरफ क्या जुड़ता है, अपना जेजनम जुड़ता है, तो जेजनम के एरिया इधर की तरफ से यू आता है ना, तो जेजनम के एरिया इधर की तरफ भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना जेजनल एरिया, तो ये हो गया अपना जेजनम का एरिया, ठीक, ये इधर की तरफ भी आ जाएगा जेजनम का एरिया, तो ये जेजनम का एरिया हो गया, ये जेजनम का एरिया, ये जेजनम का एरिया। फिर अपना जेजनम के बाद आता है अपना ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे की तरफ से अपना ट्रांसवर्स कोलोन आके और यहाँ से जाता है, ठीक, यहाँ से चल जाता है। तो इसमें तो ये जेजनम का एरिया बन ही गया, इसमें ड्रॉ कर देते हैं, ये जेजनम का एरिया हो गया, ठीक है, और ये बचा हुआ कौन सा है, हिपेटिक एरिया लीवर के लिए। अभी इनकी नेमिंग करते हैं, तो ये सारे एरिया अपने कवर हो गए। देखो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड के लिए कौन सा एरिया है, ये वाला, ठीक, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड के लिए कौन सा एरिया है, ये लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड के लिए एरिया हो गया ये वाला, ठीक, स्टमक के लिए कौन सा है, ये वाला हो गया, स्प्लीन के लिए ये जो ब्लैक कलर वाला है ये स्प्लीन के लिए है, पैनक्रियाज के लिए ये वाला पैनक्रियाज के लिए हो गया, जेजुनम के लिए कौन सा हो गया, ये जेजुनम के लिए हो गया, कोलिक एरिया कौन सा है, ये वाला कोलिक एरिया हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइड में तो ये हो गया। अब राइट साइड में, तो राइट साइड में राइट सुप्रारेनल ग्लैंड के लिए ये हो गया,
ड्यूटेनियम के लिए ये हो गया, लीवर के लिए ये कंप्लीट, ये लीवर के लिए हो गया। जेजुनम एरिया कौन सा है, ये जेजुनम एरिया होगा, और कोलिक एरिया ये कोलिक एरिया होगा। ठीक है, अब इनके नेम कर देते हैं। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, लेफ्ट सुप्रा रीनल एरिया। ठीक है, ये लेफ्ट सुप्रा रीनल एरिया हो गया, ये अपना स्प्लीन के लिए एरिया था ना, तो ये पूरा स्प्लीन के लिए एरिया हो गया, ब्लैक वाला स्प्लीन एरिया एरिया स्प्लेनिक स्प्लेनिक एरिया, ये हो गया अपना कौन सा, गैस्ट्रिक एरिया। ठीक, ये गैस्ट्रिक एरिया हो गया स्टमक के लिए ना, ये हो गया अपना पैनक्रियाज के लिए, तो इसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक एरिया, पैनक्रियाटिक एरिया। ये अपना कोलन के लिए, तो इसे बोलते हैं कोलिक एरिया, कोलिक एरिया। और ये कौन सा था, जेजुनम के लिए, तो ये हो गया अपना जेजुनल एरिया, जेजुनल एरिया। तो अपने लेफ्ट साइड में ये सिक्स ही थे, ऊपर था अपना सुप्रारीनल एरिया, फिर अपना गैस्ट्रिक एरिया, फिर स्प्लीनिक एरिया, फिर पैनक्रियाटिक एरिया, फिर ये कोलिक एरिया, और ये जेजुनल एरिया। अब राइट साइड का नेम करते हैं, तो ये हो गया अपना राइट सुप्रारीनल एरिया, राइट सुप्रारीनल एरिया। ये हो गया अपना हेपेटिक एरिया, लीवर के लिए है ना, तो ये हेपेटिक एरिया हो गया ये। ठीक, और ये किसके लिए था, ये जेजुनम के लिए था, तो ये जेजुनल एरिया, जेजुनल एरिया। ये अपना कोलोन के लिए था, तो ये कोलिक एरिया हो गया, ठीक। और ये वाला हो गया अपना ड्यूडेनल एरिया, ड्यूडेनम का था लिया था ना, ड्यूडेनल एरिया। तो ये फाइव चीज होती है राइट साइड की किडनी के ऊपर, और ये सिक्स चीज होती है लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर। रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सब चीज़ एक अच्छे से क्लियर समझा दिया है, मॉडल के थ्रू समझा दिया है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो, थैंक यू।